हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और नई धमाकेदार वीडियो में। बहुत ही पावरफुल मैसेज है, अगर आपको स्वर्ग जाना है तो वीडियो को पूरा देख लेना। इस धरती के नीचे करोड़ों सैकड़ों आत्माएं चीख चीख कर चिल्ला रही हैं, तड़प रही हैं, उसकी थोड़ी सी पुकार मैं आपको सुना देता हूँ। खोलकर इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लेना। जैसे लुका की पुस्तक 23 अध्याय उसका 29 वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि देखो वे दिन आते हैं। कौन से दिन आते हैं? 7 साल का महाभारी क्लेश काल, 3.5 साल क्लेश काल के, 3.5 साल महा क्लेश काल के, जिनमें कहेंगे धन्य है वे जो बांझ हैं और वे गर्भ जो न जने और वे स्तन जिन्होंने दूध न पिलाया। उस समय वे पहाड़ों से कहने लगेंगे कि हम पर गिरो और टीलों से कि हमें ढांप लो। इतना भयानक खौफनाक मंजर होगा मसीह विरोधी के दिन में मेरे भाइयों और बहनों, इसलिए यीशु के साथ जरूर चले जाना। और यही बात यीशु ने कहा है निर्मिया की पुस्तक में 15 अध्याय उसका 16 अध्याय उसका 1 वचन से लेकर हम 4 वचन तक पढ़ देते हैं बाइबल से प्रूफ। ठीक है भैया, वीडियो को ध्यान से देख लेना। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुँचा। किसके पास पहुँचा? निर्मिया भविष्य दक्षता के पास पहुँचा। इस स्थान में विवाह करके बेटे बेटियां मत जन्मा। किस स्थान की बात कर रहा है यह? जिस स्थान में आप लोग रह रहे हो उस स्थान की बात कर रहा है, क्योंकि जो बेटे बेटे इस स्थान में उत्पन्न हो और जो माताएं उन्हें जने और जो पिता उन्हें इस देश में जन्माए, उनके विषय में यह यूं कहता है, वे बुरी बुरी बीमारियों से मरेंगे, उनके लिए कोई छाती ना पीटेगा, उनको कोई मिट्टी ना देगा, वे भूमि के ऊपर खाद के समान पड़े रहेंगे, वे तलवार और महंगी से मर मिटेंगे, उनकी लोथे आकाश के पक्षियों और मैदान के पशुओं का आहार होंगी। जरा सोचो, अगर आपने शादी कर ली और आपके बच्चों ने इस पर विश्वास नहीं किया तो ऐसा ही हाल होगा। खाद के समान लाशें पड़ी रहेंगी और जानवर नोच नोच कर खाएंगे। इतना हाहाकार मचा होगा। जैसे निर्मिया 9 अध्याय उसका 22 वचन, तू कहे यहोवा यूं कहता है, मनुष्यों की लोथे ऐसी पड़ी रहेंगी जैसा खाद के ऊपर पुलिया काटने के पीछे पड़ी रहती हैं और उनको कोई उठाने वाला ना होगा। आपने देखा होगा जब रबी की फसल काटी जाती है तो बालियां टूट टूट कर पीछे गिरती हैं और उनको कोई नहीं उठाता है। वैसे ही मसीह विरोधी के दिन में मनुष्यों की लोथे ऐसी पड़ी रहेंगी और उनको कोई नहीं उठाएगा। खाद के समान लाशें पड़ी रहेंगी और जानवर फाड़ नोच कर खाएंगे। इतना हाहाकार मचा होगा उस 7 वर्ष में। निर्मिया 15 अध्याय उसका 1 वचन से लेकर 3 वचन तक हम पढ़ देते हैं बाइबल से प्रूफ। ठीक है भैया, फिर यहोवा ने मुझसे कहा, निर्मिया से कहा, यदि मूसा और सामुएल भी मेरे सामने खड़े होते तो भी मेरा मन इनकी ओर इन लोगों की ओर ना फिरता। इनको मेरे सामने से निकाल दो कि वे निकल जाएं, और यदि वे तुझसे पूछे कि हम कहाँ निकल जाएं तो कहना यहोवा यूं कहता है, जो मरने वाले हैं वे मरने को चले जाएं, जो तलवार से मरने वाले हैं वे तलवार से मरने को, जो अकाल से मरने वाले हैं वे अकाल से, और जो बंधुए में होने वाले हैं वे बंधुए में चले जाएं। मैं उनके विरुद्ध 4 प्रकार के विनाश ठहराऊंगा, फार डालने के लिए तलवार, फार डालने के लिए कुत्ते, नोच डालने के लिए आकाश के पक्षियों, और फार कर खाने वाले के लिए मैदान के हिंसक जंतु। यहोवा की यह वाणी है। इतना भयानक मंजर आने वाला है मसीह विरोधी के दिन में, जानवर फाड़ नोच कर खाएंगे और लोगों को मार डालेंगे। इतना हाहाकार मचा होगा उस समय। मत्ती 24 अध्याय का 15 वचन, सो जब तुम उजाड़ने वाली घृणित वस्तु जो जिसकी चर्चा दानियल भविष्य दक्षता के द्वारा हुई थी पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वह समझे, दृढ़ित वस्तु हुआ है जो पशु जो मंदिर में बैठाया जाएगा वह पूरी दुनिया में 666 की छाप देगा। मत्ती 24 अध्याय का 16 वचन, तब जो यहूदी में हुए पहाड़ों पर भाग जाएं, जो कोठे पर हुए अपने घर में सामान लेने को ना उतरें, और जो खेत में हूँ वह अपना कपड़ा लेने को पीछे ना लौटे। यहाँ क्यों ऐसा लिखा है कि जो यहूदी में हुए पहाड़ों पर भाग जाएं और जो खेत में हुआ अपना कपड़ा लेने के लिए पीछे ना लौटे? क्योंकि उस समय 3.5 साल ही बचेंगे महाक्लेश काल के, जिसमें 7 कटोरे उंडेले जाएंगे 7 वर्ष में। जो यीशु के साथ आगमन में नहीं जा पाएंगे उनके लिए हाय हाय, जैसा मत्ती 24:19-20 में लिखा हुआ है। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय हाय, और प्रार्थना किया करो कि जाड़े में या सप्त के दिन भागना न पड़े, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा
जैसा जगत के आरंभ से अब तक न हुआ और न कभी होगा। किन दिनों में यानी मसीह विरोधी के दिन में जब वह पशु छाप देगा जो मंदिर में बैठाया जाएगा, तब लोग अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर भागेंगे। उस पशु का दिमाग काम नहीं करेगा, उसका दिमाग काम करना बंद हो जाएगा, इसलिए उसका नाम पशु रखा जाएगा। एक दूसरे को मरवा डालेगा, मगर उसकी अगर जो कोई उसकी छाप नहीं लेगा तो उसको मरवा डालेगा। जो लोग यीशु के साथ नहीं जा पाएंगे उनके लिए कोई आशीकरण नजर नहीं आएगी। वह बिन चरों की भेड़े बन जाएंगे। और उस समय जिस किसी स्त्री के पेट में बच्चा होगा उसका क्या हाल होगा? मारी मारी भागी भागी फिर त्राही त्राही मची होगी उस 7 वर्ष में। आशा करता हूँ छोटा सा संदेश आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को दबा के शेयर करें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।